राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं कार्तिक पुनीत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कार्तिक पुनीत पे। आज की हमारी इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता लग ही होगा कि आज के हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाए। तो करते हैं अपने वीडियो को शुरू। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी की लगी। करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको जो इसकी डिस्प्ले मिलने वाली है वो 6.5 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलेगी विथ नोच डिस्प्ले मिलेगी। और डेंसिटी की बात करें, पिक्सल डेंसिटी की, तो वो आपको 270 ppi डेंसिटी मिलेगी। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो डिस्प्ले टाइप आपको PLS TFT LED डिस्प्ले मिलने को देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो चिपसेट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सैमसंग का Octa 850 यहाँ पे आपको प्रोसेसर चिपसेट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, जो कि उसके बाद बात करें ग्राफिक की, तो ग्राफिक आपको Mali G52P MPI मिल जाती है, जो यहाँ पे आपको ग्राफिक देखने को मिलती है। बात करें रैम की, तो रैम आपको यहाँ पे 4GB रैम मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो साथ ही साथ स्टोरेज आपको यहाँ पे 64GB स्टोरेज मिल जाती है, जिसे आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 1TB तक, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इसके कैमरे की, तो कैमरे आपको यहाँ पे क्वाड कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलता है वो 448 megapixel का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। उसके बाद 5 megapixel का कैमरा मिल जाता है आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 megapixel का कैमरा मिल जाता है यहाँ पे, दो एक माइक्रो कैमरा एक डेप्थ कैमरा। और उसके बाद जो फ्रंट कैमरा है वो आपको यहाँ पे जो मिलता है फ्रंट कैमरा, जो उसके बाद आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है वो मिलता है आपको 8 megapixel का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी आपको यहाँ पे 6000 mAh की देखने को मिल जाती है, जो कि विद फास्ट चार्जिंग के साथ मिल जाती है। 50W का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको साथ में इसके मिल जाता है। तो उसके बाद बात करें ये 4G सपोर्टेबल है या 5G, तो ये 4G सपोर्टेबल है, यहाँ पे 4G सपोर्टेबल मिल जाता है आपको डबल 4G। बात करें ऑडियो जैक की, तो ऑडियो जैक आपको यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। उसके बाद बात करें हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड में मिल जाता है, जो कि सभी तरह के सेंसर आपको जिसमें मिल जाते हैं। उसके बाद बात कर लें हम इसकी आपको किन किन कलर में मिलने वाला है, तो आपको ये 3 कलर में मिलने वाला है, ब्लैक, ब्लू और वाइट, 3 कलर में आपको ये मिलेगा। और इसके वेट वगैरह डिजाइन वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हो ये साइड में ये। और बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम Android V11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जैसा कि लॉन्चिंग डेट पता ही होगा आप सबको, या नहीं भी पता हो तो मैं बता दूँ, 18 मार्च को इसका लॉन्चिंग डेट है। उसके बाद बात करें प्राइस की, तो प्राइस आपको यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो प्राइस आपको ये 11 से 13-14 के बीच में मिल जाएगा देखने को। इसका प्राइस जो है 11 से 14 के बीच में ये आपको प्राइस, इस प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यही सारे थे इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह, ये सारी थी मैंने बता दी आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको कैसी की लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।